सैलरी है, बेसिक सैलरी, ये इस हिसाब से इनको सैलरी देनी है। 18,800 रुपये सैलरी है इसकी पर डे। तो अभी हम चेक करते हैं इसकी कितनी बनती है 30 दिन की। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू, ये आ गई उसकी बेसिक सैलरी, ये डी है। ये हम टैक्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल 10% टैक्स है डी ए। तो शिफ्ट के साथ 8 का बटन प्रेस करेंगे और टैक्स कितना है 10%, 10। शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो ये देखें, सॉरी हमने ये मिस्टेक कर दी है, 10% ऐसे आएगी। उसके बाद हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी आ गई टैक्स। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ये ऑटो फिल हो जाएगी। अब उसकी बन गई टोटल पे। टोटल पे हमने इसको, चलें टोटल पे इज इक्वल टू ये सेल और ये जो है डी ए, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये टैक्स नहीं है, ये हम इसको कोई फंड वगैरह या कोई भी इस तरह से जो कंपनी दूसरे तीसरे मुराद वगैरह देती है तो वो है, टैक्स नहीं है ये। और इसको इंटर करेंगे, ये इसकी टोटल पे बन गया। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ये ऑटो फिल हो गई है। और इधर होम में जाके ये पॉइंट्स ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आ गया पीएफ फंड, ये चेक करते हैं ये कितना है। चलें पीएफ फंड जो है इज इक्वल टू 20% ऑन बेसिक सैलरी पे, 20% पे करना है। इंटर प्रेस करेंगे, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ये भी ऑटो फिल हो जाएगा। पॉइंट्स हटा देंगे। इसके बाद ESI यानी कि सेहत के लिए जो हमें फंड वगैरह मिलते हैं वो डिस्कस करते हैं। चले हम लगा लेते हैं इधर PF फंड जो है उसका हाफ। हम ESI यानी हेल्थ के लिए असाइन कर लेते हैं। इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, सॉरी इधर रख के ड्रैग करेंगे, ये ड्रैग हो गया। उसके बाद पॉइंट्स हटा देंगे। ये हम फंड्स के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं, ना कि टैक्सेस के हवाले से। ये जो सैलरी के अलावा जो यानी कि कंपनी पे करती है हमें, अदा करती है हमें, देती है, ये उस हवाले से हमारी नेट सैलरी बन रही है। टैक्सेस वगैरह का वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं इधर से भी जाके। चलें अब हम नेट पे निकालते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अभी नेट पे। ये जो डी ए है ये हमारा यानी कि हमें कंपनी की तरफ से मुराद वगैरह मिलते हैं, ये हमारी सैलरी के अंदर ऐड होगा। और ये PF और ये ESI जो कि प्राइवेट या दूसरी तीसरी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्री वगैरह हैं उनके अंदर अंदर ही उन्होंने मेडिकल के लिए एक टीम रखी होती है, ये उसको टैक्स अदा करते हैं, ये सैलरी से डायरेक्ट कट जाता है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। इज इक्वल टू टोटल पे लेस PF फंड लेस ESI। ये जो PF फंड है ये यानी कि हमारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता रहता है। और जब हम रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच जाते हैं, जब हमारी रिटायरमेंट होती है उसके बाद हमें इकट्ठे पैसे मिलते हैं, तो ये वो वाला फंड है, ये थोड़ा थोड़ा हमारी सैलरी से कटता जाता है और आखिर में जमा हो जाता है। और जो ESI है ये मेडिकल अलाउंस है, यानी कि मेडिकल के लिए हमारे सैलरी से कटता है। इसको ओके कर देंगे, ये हमारी नेट पे बन गई है। इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ये देखें यहाँ पे हम शुरू में लगा चुके थे पहले ही। उसके बाद टोटल डेज इज इक्वल टू लुकअप, टैब का बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा लुकअप फैक्टर वेक्टर हम यहाँ से उठाएंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, सॉरी यहाँ तक, उसके बाद कॉमा
रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर में हमने यहाँ पे क्या निकालना है, पे डेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे ज़्यादा मैं नीचे ले गया, ये बस यहाँ तक ले जाना था। उसके बाद जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर जाके चेक कर लेते हैं, ये देखें एक है 30 डेज हैं। उसके बाद नेट पे इज इक्वल टू लुक, टैब का बटन प्रेस करेंगे, लुक ऑफ वैल्यू हमारी ये होगी। उसके बाद कॉमा लुक ऑफ वेक्टर, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद रिजल्ट वेक्टर। तो रिजल्ट में हमने देखनी है नेट पे, नेट पे वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक, और इंटर प्रेस कर देंगे। हम चेक करते हैं, ये देखें ए के अंदर 1446 है। अब यहाँ से हम कोई भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल डी करते हैं, डी के कितने उन्होंने डेज हैं, 29 डेज हैं, और सैलरी है 1558। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।